केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज 22 अप्रैल छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस और INTI गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बाद आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा है। वहीं अमित शाह ने रैली में नक्सलवाद का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया, 250 लोग सरेंडर हुए और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया। नक्सलवाद की वजह से आदिवासियों के घर में बिजली नहीं पहुंच रही। बचे नक्सली सरेंडर कर दो, वरना लड़ाई का परिणाम आप जानते हो। अमित शाह ने सवाल पूछा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। पीएम मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब आगे के लिए मोदी जी की गारंटी है कि 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि पीएम मोदी ने कल कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र किया, जिसमें लिखा गया कि सभी की संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा। पीएम मोदी ने कल कहा था कि सर्वेक्षण क्यों करना है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर पीएम मोदी से सवाल कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि संशोधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, आदिवासियों और दलितों का नहीं। वहीं अमित शाह ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस राम मंदिर को लेकर लटकाती है और भटकाती रही। 17 अप्रैल 2024 को हम सब ने अपने जीवन का अनुपम हर्ष देखा। 500 वर्षों से टेंट में बैठे रामलला ने अपना जन्मदिन भव्य मंदिर में मनाया, जहां उनका सूर्य तिलक किया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीटों के लिए मतदान होना है।